तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया ग्रेटर नोएडा में, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। जिला अधिकारी कार्यालय पर किसानों का हंगामा हुआ, डीएम से मिलने की जिद पर डीएम दफ्तर में भी घुस गए किसान। किसानों और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई, सीआईएसएफ के जवान, पुलिस और किसान आमने सामने भी आ गए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन हुआ। जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों का हंगामा देखने को मिला, डीएम से मिलने की जिद पर डीएम दफ्तर भी घुस गए किसान। किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की भी स्थिति बन गई। किसानों को रोकने के प्रयास में सीआईएसएफ के जवान, पुलिस और किसान आमने सामने हो गए। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। इस मौके पर किसान यूनियन के लोग भारी संख्या में जुटकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अग्निपथ योजना के बारे में किसान नेताओं द्वारा विचार रखे गए। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए। इस दौरान अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने के नारे भी लगाए गए। विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये प्रदर्शन किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया, साथ ही साथ राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन भी सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जिला मुख्यालय पर अग्निपथ के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। देखिए तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। अखिल भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। अग्निपथ का ये लोग लगातार विरोध करते हुए आ रहे हैं। हमारे साथ में राजपाल शर्मा जी हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय किसान यूनियन से। हमसे बात करेंगे, जानकारी करेंगे आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं और इसका कारण क्या है। क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी कि आप किस तरीके से अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, कारण क्या है इस विरोध का? अग्निपथ एक योजना ये लाए हैं, पहले तो उसका नाम भी अग्निपथ है, आग से गुजरने वाली, और वही बच्चों ने समझा एकदम प्रदेश में हाहाकार मच गया। हालांकि हमने प्रयास किया शांति बनाने के लिए, दुआई दी कि भाई हिंसक मत बनो। अन्याय तो है कि 4 साल पीछे खत्म कर दी जाएगी, 4 साल बाद घर भेज दिए जाएंगे तो क्या औचित्य रहेगा, उसमें से 1/4 दे दी जाएगी। सरकार कह रही है कि हम बारीकता भी दे रहे हैं लोगों के लिए, जो चयन होगा उनके लिए हम, जो कोई चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, पुलिस के जवान हो, उनमें हम उन लोगों को सबसे पहले उनके लिए ऑप्शन दिया जाएगा। क्या मतलब अच्छा बता रहे हैं वो, तो वो अपने बच्चों को भेज सकते हैं। ये भाजपा वाले जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, ये अपने भाई भतीजों को एक को भेज सकते हैं? यदि वो एक को किसी को भेज दें तो हम वापस ले लेंगे इसे। क्या क्या मांगे रखी? मांग ये है कि इसे वापस ले लें, शांति बनी रहेगी, और यदि ये नहीं इन्होंने वापस लिया तो वो जहाँ हम 13 महीना पड़े रहे थे, शांति से पड़े रहे थे, वो बिल इन्हें वापस लेने पड़े थे, ये भी वापस लेना पड़ेगा। हर स्थिति वापस लेना पड़ेगा। यदि बच्चे संयमित रहे तो, युवा संयमित रहे तो, हम प्रजा हम चाहते हैं कि हिंसक आंदोलन हो, अहिंसक रहे, गांधीवादी तरीके से करेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन ये भी इन्हें वापस लेना पड़ेगा। और बच्चों को भी समझा रहे हैं कि आंदोलन हिंसक न हो जाए, अहिंसक आंदोलन जारी रहो, जरूर सफलता मिलेगी। क्योंकि 4 साल बाद कुछ रहता नहीं है, और ये समझा रहे हैं कि बहुत बड़ी तोप बढ़ी है तो फिर पुलिस का उधर डाइवर्ट, और हम यहाँ कलेक्ट्रेट में आके धरना प्रदर्शन, क्या कहेंगे मतलब इसको लेके, क्या सोचती है किसान यूनियन? नहीं, पहले हमारा जो धरना प्रदर्शन था वो 30 तारीख का था, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा हमारा जो धरना चला था दिल्ली बॉर्डर पर और पूरे राष्ट्र में जो आज देख रहा है, जो भी समस्याएं हमारे किसान संबंध, उनकी एक आपात मीटिंग करनाल में हुई, और जिसमें 24 तारीख निश्चित की गई। उस समय किसी ने यह कैलेंडर नहीं देखा कि 24 को जुम्मे की नमाज है क्या है, लेकिन उन्होंने जो घोषणा की, क्योंकि जिस समय आग ज़्यादा लगी हो उसमें पानी जितनी जल्दी घेरा जाए आग को बुझाने के लिए, उसी के संबंध में आज हम ज्ञापन देने आए। ऐसा भारतीय किसान के या संयुक्त किसान मोर्चा का ऐसा कहीं नहीं है कि हम प्रशासन को गुमराह करें और कोई बड़ी घटना को, घटना करने वाला कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो
हमारा नहीं होगा, निंदनीय है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये हमारे साथ में किसान, उनके तमाम पदाधिकारी हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि अग्निपथ का विरोध तब तक करेंगे जब तक अग्निपथ को वापस नहीं ले लिया जाएगा। तमाम ही अग्निपथ की लगातार विरोध करते हुए हैं और ये इनकी मुहिम आगे भी जारी रहेगी। चलिए, बबलू खान के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़।